धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म के तृतीय अध्याय की कथा आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण मात्र से दुख दारिद्र क्षोभ मिट जाता है, सुख शांति और समृद्धि आती है, भगवान पुरुषोत्तम नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो मित्र हमारे चैनल पर अभी नए हों, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज पुरुषोत्तम मास की कथा का तृतीय अध्याय आरंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः आप सभी का स्वागत है। अथ तृतीयोध्याय। ऋषे उचुः नारायणो नरसखा यदुवाच सुहं वचः नारदाय महाभागो तन्नो वद सविस्तराम्। सूत उवाचो नारायण वचो रम्यं श्रूयतां द्विजसत्तमाः यदुक्तं नारदायै तत्प्रवक्ष्यामि यथा श्रुतं। श्रीनारायण उवाचो शृणु नारद प्रवक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा पुरा राज्ञे युधिष्ठिराजैवं श्रीकृष्णेन महात्मना। एकदा धार्मिको राजा जातशत्रुर्युधिष्ठिरः द्यूते पराजितो दुष्टैर्धार्तराष्ट्रैश्छलप्रियैः। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय की कथा जिन लोगों ने अभी नहीं सुनी है, वह जाकर के हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में या आई बटन में वे लोग उस कथा को सुन लेंगे। अब आगे की कथा सुने। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र जो नारायण हैं, वे नारद से जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूर्य जी ने कहा, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुना है वैसे ही आपसे कहता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। नारायण ने नारद से कहा, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और उसे सभा में ले आया। उसके वस्त्रों को उतारने का प्रयत्न करने लगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। इसके बाद पांडव लोग राज्य को त्याग करके काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वन के फलों को खाकर वे जीवन बिताने लगे। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, उसी तरह से जंगल में पांडवों के शरीर पर भी जानवरों की तरह रोम बाल आ गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देख करके भगवान देवकी सुत श्री कृष्णचंद्र जी मुनियों के साथ काम्यक वन में पांडवों से मिलने के लिए गए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को आया देख करके हर्ष पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रीति पूर्वक श्री कृष्णचंद्र से सभी पांडव मिले। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्त पूर्वक पांडवों ने नमस्कार किया। दुखित पांडवों को मृगचर्म आदि धारण किए हुए देख करके भगवान कृष्ण को अत्यंत कष्ट हुआ। द्रौपदी भी अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। उनके जर्जर शरीर को देखकर, बालों को बिखरा हुआ देख करके भगवान कृष्ण को अत्यंत कष्ट हुआ। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए और अपनी भौहों को चढ़ाकर गुरेर करके देखने लगे। करोड़ों काल के कराल मुख के तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांतों के बीच में जोर से दबाकर त्रिलोक को जला देने की इच्छा से जैसे सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र रावण पर जैसा उनको क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र भगवान को कुपित देख करके अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी के सहित उनकी प्रार्थना करने लगे। अर्जुन उवाचो, हे कृष्ण जगताम नाथ नाथ नाहं जगत वहि तुमेव जगताम पाता पाम न पासि कथम प्रभो यच्चक्षु पातने नैवो ब्राह्मणा पतनम भवेत्
किम तत्कोपेन न भवेत् को वेदं किम भविष्यति वन्दे त्वां सर्वतत्वज्ञो सर्वकारणकारणं वेद वेदांग बीजस्य बीजं श्रीकृष्णमीश्वरं त्वमीश्वरो सर्वो जगदेतच्चराचरं सर्वमांगलमांगल्यं बीजरूप सनातनः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, मैं इस जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभो, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारण, वेद और वेदांग के बीजों के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए हुए समस्त विश्व का आप नाश कैसे कर सकते हैं? कौन ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? सकथम स्वकृतम हन्याद् विश्वमेका अपराधतः मशकान् भस्मासात् कतुम् को वा दहति मन्दिरम्। श्री नारायण उवाचो इति विज्ञाप्य श्री कृष्णं फाल्गुना परवीरः बद्धांजलिपुटो भूत्वा प्रणनाम जनार्दनम्। श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देकर पांडव स्वस्थ हो गए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगल से कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, शरण में आए हुए अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर प्रेम से भरे हुए अर्जुन ने बार बार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से किया। इस तरह अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण पांडवों से बोले, श्री कृष्ण उवाच शृणु राजन महाभागो बीभत्सो यातमद्वचः अपूर्वोऽयं कृतास्नो नोत्तरं वक्तुमुत्सहे एष गुह्यतरो लोके ऋषाणामपि दुर्घटः तथा विवक्षे मित्रत्वात् मद्भक्त्वा च तवार्जुन। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है वह बहुत ही गुप्त है, ऋषियों को भी वह विदित नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, मित्रता के नाते और तुम मेरे भक्त हो, इस कारण से मैं तुमसे उसका उत्तर कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष घड़ियां प्रहर त्रिप्रहर छह ऋतुएं मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष चारों युग इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है यह सब और नदी समुद्र कुएं बावली गढ़ैया सोते लता औषधियां वृक्ष बांस आदि पेड़ वन की औषधियां नगर गांव पर्वत पुरियां ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से ही पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। स्वस्वामी योग महात्म्यात् सर्वे सौभाग्यशालिनः अधिमासः समुत्पन्ना कदाचित् पाण्डुनन्दनो तमोचु सकला लोका असहाजं जुगुप्सितं अनर्हो मलमासोजं रविसंक्रमवर्जितः। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में अग्राह्य है।
इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग प्रभा रहित दुख से घिरा हुआ अति खिन्न मन चिंता से ग्रस्त होकर के व्यथित मन से हृदय में मरणासन्न स्थिति धारण किए हुए वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, बैकुंठ में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुंचकर मेरे घर में आकर उसने मुझे देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर वह भूमि पर साष्टांग दंडवत करने लगा। उसके नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह हमारे चरणों पर साष्टांग गदगद गिर करके मेरी तरफ कातर दृष्टि से देख रहा था। सूत उवाचो इत्युक्त्वा बद्रीनाथो बिरराम महामुनि तक्षित्वा पुनरेवाह नारदो भक्तवत्सलः। नारद उवाचो इत्थं गत्वा भवनमवलं पूर्णरूपस्य विष्णोर् भक्ति प्राप्यं जगदहरं योगिनानप्यगम्यं यत्रैवास्ते जगदभेदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दस् तत्पादाब्जं शरणमधिगता सोधिमास किमूचे। सूजी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कह करके चुप हो गए। नारायण के मुख से कथा सुन करके भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद ने कहा, अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहां पर थे उनके चरण कमलों में अधिमास आकर के उपस्थित हो गया। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अधिमासस्य वैकुंठ प्रापणम नाम तृतीयः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तृतीय अध्याय का समापन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, आपने तृतीय अध्याय की उत्तम कथा सुनी जिसमें मलमास की उत्पत्ति, उसका खिन्न होना और भगवान के पास जाना बताया गया। इसके आगे की कथा अगली वीडियो में मैं लेकर शीघ्र उपस्थित हो रहा हूँ। सभी के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम नारायण की कृपा हो, इसी आशा के साथ विराम लेता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।